हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो फिर लैंप बनाने के लिए आप कोई भी डल, लाइट, न्यूट्रल कलर्स के पेपर्स का यूज कर सकते हैं। तो फिर मार्जिन देकर हम मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर जैसे आप देख रहे हैं, हम 1 सेंटीमीटर के गैप पर अलोंग द लेंथ लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर 3 सेंटीमीटर मेजर करके हम लाइन ड्रॉ करेंगे। उसी के साथ ही फिर से 1 सेंटीमीटर्स की दूरी पे 2 लाइंस और ड्रॉ करेंगे। और लास्ट लाइन हम 1 सेंटीमीटर से थोड़े कम डिस्टेंस पे, से 0.75 सेंटीमीटर की दूरी पे खींचेंगे। लास्ट लाइन के अलोंग हमने कट कर दिया है पेपर को, और यही पेपर है जिस पे हम फोल्ड्स करेंगे। अब ऑल द वे अलोंग द विथ हम 1 सेंटीमीटर्स के गैप्स पर मार्किंग करके लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो फिर जैसा आप देख रहे हैं, हम हर यूनिट स्क्वायर बॉक्स में एक डायगोनल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जिससे पूरी लेंथ के अलोंग ज़िगज़ैग लाइंस ड्रॉ हो जा रही हैं। कुछ माइनर डिटेल्स हैं जिसका हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, जैसे 3rd रो की डायगोनल लाइंस 5th रो की डायगोनल लाइंस से पैरेलल हैं, और वहीं 1st रो की डायगोनल लाइंस 3rd रो की डायगोनल लाइंस से बिल्कुल भी पैरेलल नहीं है। अब इन मार्क्ड लंबी लाइंस पर हम आउटवर्ड फोल्ड्स और मार्क्ड छोटी लाइंस पर इनवर्ड फोल्ड्स कर रहे हैं, जिससे ऑल द वे ज़िगज़ैग फोल्ड्स हो जाएंगे। फिर बिल्कुल ऐसे डायगोनल्स पर हम फोल्ड करेंगे और उसको प्रेस करके ऐसा स्ट्रक्चर दें। सिमिलरली नीचे भी डायगोनल लाइंस पर हम बिल्कुल ऊपर की ही तरह फोल्ड करेंगे। एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें फोल्डिंग टेक्निक्स पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम 1st रो की ज़िगज़ैग लाइंस और 3rd रो की ज़िगज़ैग लाइंस के बीच में जो पेंटागन बन रहे हैं, उसके मिडिल पॉइंट को कैसे इनवर्ट प्रेस कर रहे हैं, और नीचे के ज़िगज़ैग लाइंस को इनवर्ट फोल्ड कर रहे हैं एक साथ, ताकि हमारा एक स्टेबल सा ओरिगामी स्ट्रक्चर फॉर्म होता जाए। फोल्ड कर लेने के बाद हमने टॉप में पॉइंट मार्क किया है, ताकि हम उसको पियर्स कर लें। एक फोम और एक पॉइंटेड टूल के साथ हम पियर्स कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे, या तो हम एक साथ पियर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर पेपर की थिकनेस बढ़ गई तो ऐसे अलग अलग करके भी पियर्स कर सकते हैं। जब पेंसिल से आपने ये सब लाइंस ड्रॉ करी, तो उसको डार्क इम्प्रेशन के साथ बिल्कुल ड्रॉ मत कीजिएगा, क्योंकि वो रफ लाइंस होती हैं जिनको हमें बाद में इरेज ही करना होता है। अब हम इन होल्स के अंदर एक नीडल की हेल्प से थ्रेड डालेंगे, ताकि हम इस पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ बांध पाएं, और बीच बीच में बीड्स डाल देंगे डेकोरेशन के लिए। टॉप से धागे को बांध लेने के बाद हम साइड्स को भी पेस्ट कर देंगे, और हमारा लैम्प का ऊपर का स्ट्रक्चर बिल्कुल तैयार है। लाइट्स के लिए हमने एक सेटअप तैयार किया है, जिसमें 9 वोल्ट बैटरी के एक टर्मिनल के एंड पर हमने बल्ब अटैच किया है, और दूसरा टर्मिनल हमने फ्री छोड़ दिया है, और कार्डबोर्ड स्ट्रिप से हमने बैटरी के अराउंड बिल्कुल इस तरीके से रैप कर दिया है कि एक सर्कुलर बेस बने। आप चाहे तो एक स्क्वायर बेस भी बना सकते हैं। और हमने कैसे बल्ब को बिल्कुल परपेंडिकुलरली बेस के अटैच किया है, पीछे से कुछ कार्डबोर्ड के सपोर्ट्स देते हुए। फिर बेस के सर्कमफेरेंस से छोटी कार्डबोर्ड स्ट्रिप की रिंग बनाएंगे बल्ब के अराउंड बाउंड्री के तौर पे पेस्ट करने के लिए। अब कार्डबोर्ड को कवर करने के लिए हमने सबसे पहले बेस से स्टार्ट किया है। बेस के एरिया का सर्कल काट के एक्स्ट्रा मार्जिन्स छोड़कर इस तरीके से कवर कर रहे हैं। फिर बेस के सर्कमफेरेंस से काफी बड़ा सर्कल और रिंग की सर्कमफेरेंस से थोड़ा छोटा कंसेंट्रिक सर्कल हम ऐसे कट करेंगे। रिंग के ऊपर से लेकर पेपर को बिल्कुल ऐसे एडजस्ट करते हुए हम एक फ्रस्टम फॉर्म कर रहे हैं, जिसका बेस हमारे नीचे के बेस को टच कर रहा है और उसका टॉप हमारे ऊपर के रिंग को टच कर रहा है। ये जो एक्सेस पार्ट है, इसको इस तरीके से कट करके हम साइडवेज पेस कर देंगे, ताकि हमारा फ्रस्टम बेस के साथ अटैच हो जाए। और जो एक टर्मिनल हमने छोड़ दिया था, वहाँ पर हम कोई एक्सेस मार्जिन नहीं छोड़ रहे हैं, और वहाँ पर हमने कार्डबोर्ड में भी होल कर दिया था। एक गोल्डन लेस के साथ हम बची हुई डेकोरेशंस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये एक फैब्रिक है
तो हम बहुत सारा ग्लू यूज़ कर रहे हैं इसे पेस्ट करने के लिए, या तो आप फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर द टाइम बींग सपोर्ट के लिए हमने इसे एक थ्रेड से बांध दिया है, जब वो सूख जाएगा तो हम उस थ्रेड को हटा देंगे। बाकी आप जैसे चाहें फ्रस्टम को कवर कर सकते हैं, हमने थ्रेड लेके कवर किया है। आप चाहें तो एक डेकोरेटिव पेपर से ही फ्रस्टम बना सकते हैं। लेस और थ्रेड का लुक तो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लग रहा है। स्विच ऑन ऑफ करने के लिए हमने एक पेपर स्ट्रिप को टाइटली कॉइल कर लिया है, जो कि टर्मिनल के अंदर इंसर्ट हो जाए। हम वायर को लेकर टर्मिनल में इंसर्ट कर लेंगे एंड योर स्विच विल वर्क दिस वे। पेपर स्ट्रक्चर को ऊपर से डालकर आपका लैंप पूरा तैयार हो जाएगा।